कॉरपोरेट विभाग में घोटाले की घुन, 125 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, दागदार अफसरों की खुलेगी पोल, अन्नदाता का हक मारने वाले जाएंगे जेल, कर्ज माफी की आड़ में करोड़ों का खेल। बीजेपी सरकार में कर्ज माफी के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले के बाद कांग्रेस सरकार एक्शन में आ गई है। गहलोत सरकार ने उन सभी कॉरपोरेटिव बैंकों की जांच शुरू कर दी है जिन्होंने कर्ज माफी के नाम पर सरकारी खजाना लूटा था। किसानों की कमर तोड़ने वाले कॉरपोरेटिव बैंकों में करप्शन से जुड़े अफसरों को अब किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सूत्रों की माने तो कॉरपोरेटिव बैंक में 125 करोड़ से ज्यादा की घोटाले की शिकायतें सामने आई हैं, यानी अन्नदाताओं के हक पर डाका डालने वाले अफसर अब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। तो आगे से ऐसी गड़बड़ियां ना हो उसके लिए बायोमेट्रिक आधार पर ही ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही लोन दिया जाएगा। बीजेपी सरकार में कर्ज माफी के नाम पर जुड़े तरह तरह के प्रकरण सामने आए थे जिसमें ऐसे किसानों को भी बैंकों ने कर्जा दे दिया था जिनकी मौत हो चुकी थी। बैंकिंग क्षेत्र में तकनीक के बढ़ते प्रयोग के साथ ही गबन, घोटाले और फ्रॉड के प्रकरण सामने आ रहे हैं। इसे रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंडों के अनुसार सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि ऐसी गलतियों से बचा जा सके। आदमी तो मर गया, उसको लोन मिल गया, लोन 5,000 का लिया और 34,000 का माफ हो गया। इन तमाम शिकायतों की विस्तृत जांच जो कि हमें डूंगरपुर से, भरतपुर से, अलवर से, कई जिलों से प्राप्त हुई थी, हमने उनके खिलाफ जो दोषी हमें प्रथम दृष्टया प्राप्त हुए उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं। अब 20 दिन के अंदर सहकारिता विभाग सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा जिसके बाद देखना ये होगा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी।